नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की छठे दिन भी हड़ताल जारी। निजीकरण के खिलाफ सीईएल के कर्मचारियों की लड़ाई और तेज। हमारी तीसरी खबर तमिलनाडु से। पूर्ण प्रतिबंध के बाद दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर पड़ सकता है बड़ा संकट। हमारी चौथी आखिरी खबर कोरोना अपडेट। देश में फिर से रिकॉर्ड 1,68,912 नए मामले, 904 मरीजों की मौत। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा वेतन से संबंधित मुद्दों पर सोमवार को कर्नाटक में लगातार छठे दिन बस सेवाएं बाधित रहीं। सिक्स्थ पे कमीशन के अनुसार वेतन की मांगों को लेकर राज्य के चार परिवहन निगमों के कर्मचारियों और सरकार के बीच फैसला न हो पाने के कारण अधिकांश कर्मचारियों ने काम न करने का फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बसें सड़कों से दूर रहीं और यात्रियों पर भी इसका असर देखने को मिला। काम नहीं तो वेतन नहीं की धमकियों के बाद कुछ आरटीसी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर और राज्यों के विभिन्न हिस्सों में कुछ मार्गों पर बसों का संचालन कर रहे हैं। मंगलवार को उगाड़ी मनाने जाने वालों के साथ साथ रोजाना ऑफिस जाने वालों यात्री इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निजी बसें, मिनी बसें, मैक्सी कैब और अन्य यात्री परिवहन वाहन, जिन्हें अधिकारियों ने संकट का प्रबंधन करने और यात्रियों की मदद करने के लिए उतारा है, शहर और राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रियों को सेवाएं प्रदान करते हुए देखे गए। इसी बीच कर्मचारियों ने विरोध को तेज करते हुए उनके परिवार के सदस्यों के साथ कर्मचारियों ने सरकार के रुख के खिलाफ सोमवार को उपायुक्त, तहसीलदार कार्यालय, जिला और तालुक केंद्रों पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आरटीसी, जो कर्मचारियों को हड़ताल जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी रही है, उन्होंने ट्रेनी और प्रोबेशन पर काम कर रहे लोगों को अनुपस्थिति रहने और नोटिसों का जवाब नहीं देने पर बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपना घर चलाने के लिए आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बेच सकते, इसके बजाय आप और विकल्पों की तलाश करते हैं, यह कहना है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से बीरेन कुमार का, जो अपनी कंपनी के मुख्य द्वार पर अपने साथी कर्मचारियों के साथ पिछले 27 दिन से धरने पर बैठे हैं। मोदी सरकार द्वारा लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के प्रयास जारी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने अब साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नीलाम करने का पूरा मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने निजी कंपनियों से आवेदन भी मांगने शुरू कर दिए। ये कंपनी अभी विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्रालय के अधीन है और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तरह काम कर रही है। साथ ही यह कंपनी महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए भी काम करती है। सरकार के इस निर्णय से यहाँ काम कर रहे हजारों श्रमिकों की आजीविका पर संकट गहराता नजर आ रहा है। इस वर्ष के अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे उन कंपनियों में से एक के रूप में चिन्हित किया, जहां से सरकार 2.1 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों के कारण अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। एक सरकारी आदेश के अनुसार चेन्नई के कोयम्बेडू सब्जी बाजार में अर्धशोक और खुदरा दुकानों को इसके बाद कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्यापारियों और श्रमिकों ने बाजार प्रबंधन समिति के कार्यालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि बाजार को पूर्ण प्रतिबंध से बचा जाए। व्यापारियों का कहना है कि बाजार को फिर से बंद करने से उन्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वे अभी भी पिछले साल देश में लगाए गए लॉकडाउन से उभर नहीं पाए। देखिए न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। In the wake of a surge in COVID-19 cases, the Tamil Nadu government has once again announced lockdown restrictions starting April 10, 2021. The government order doesn't allow all retail vegetables and fruit markets to function across the state. It is forcing the biggest retail vegetable market in the state, Coimbatore, to close down. This will affect the livelihoods of more than 5,000 traders and headload workers in the market.
Coimbatore retail traders and workers are protesting against the government order and demanding that the government reconsider the decision. NewsClick brings you this ground report from the protest site. மார்க்கெட்ல மட்டும் கொரோனாவா ஒயின் ஷாப்ல கொரோனா கிடையாதா சினிமா தேட்டர் கொரோனா கிடையாதா ஏன் கலைஞ்சு ஸ்டாலின் வந்து அங்க கூட்டம் கொண்டாங்களா அங்க கொரோனா வராதா எடப்பாடி வந்து கூட்டம் கொண்டாங்களா அங்க கொரோனா வராதா கோயம்புத்தூர்ல மட்டும்தான் கொரோனா வருமா இங்க மட்டும் கொரோனா குத்தி கட்டுச்சா மார்க்கெட்டு மார்க்கெட்ல வர குதை எழுச்ச வாயா அங்கள வாழணும் இவங்க இங்க இருக்கிறவங்கள செத்து போடுமா என்னையா நியாயம் இது என்ன நியாயம் மக்களை வாழ வைக்கிற மக்களை வாழ வைக்கிற மக்களை சாவடிக்க கூடாது அதோட எல்லாருக்கும் விஷத்துக்கு கொண்டுட்டு பேசாம ஒரு வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிற வகையில இவங்க வந்து உங்களுக்கு கொரோனா தொற்று அதனால வாழ்வாதாரம் பாதிக்குது நாங்க கடை மூட சொல்றேன் எந்த விதத்துல ஏற்படுறதில்ல மனசாட்சியோட தமிழக அரசு சிஎம்டி நிர்வாகம் எம்எல்சி நிர்வாகமும் இதுல கலந்து பேசி ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த காம்பவுண்ட் சுத்தி சுத்தி கணக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சுமார் 4 கிலோமீட்டர் அந்த 4 கிலோமீட்டர் வெளியே ஒரு தற்காலிகமா தடுப்பு அமைச்சு ஒரு 10 அடி 8 அடி அது அமைச்சு கொடுத்தாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 கடை அமைச்சு கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து அப்படியே அப்படியே வாங்கிட்டு வருவாங்க ஒன்றும் கொடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கை அனைத்தையும் மேற்கொள்ள முடியும் அதை மேற்கொண்டு பொருளாதாரம் பாதிக்காத வாழ்வாதாரம் பாதிக்காதவர்கள் சிறு வியாபாரிகளை தொழிலாளர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று தமிழக அரசையும் சிஎம்டி நிர்வாகத்தையும் எம்எம்சி நிர்வாகத்தையும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் டாஸ்மாக் கொடுத்தது வருமானம் 30,000 கோடி வருமானம் அதுக்காக தான் டாஸ்மாக் விலகு கொடுக்குறாங்க இங்க வருமானம் இல்ல அதாவது வியாபாரிகளால அரசாங்கத்துக்கு பெரிய அளவு சிறு வியாபாரிகள் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் இல்ல அப்படிதான் நாங்க நினைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கோம் காரணம் ஏன்னா அங்க அந்த 2 மீட்டர் கேபிள் அங்க இல்ல டாஸ்மாக் கடையில 2 மீட்டர் கேபிள் இல்ல அதே சமயம் தேர்தலுக்கு அப்புறம் கூட சினிமா தேட்டர்ல 50% அப்படின்றவங்க இங்க உள்ள சூழ்நிலை அது இல்ல அதனால நாம என்ன பண்ணணும்னா அரசாங்கமும் சிஎம்டி நிர்வாகமும் பொதுவாக துணைப்பணி தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரத்தையும் சிறு வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்காத வகையில் இவங்க நடவடிக்கை புரிந்த நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சிறு வியாபாரிகளும் துணைப்பணி தொழிலாளர்களும் வேறு விதமான போராட்டத்திற்கு அது போக வேண்டிய நிர்பந்தமும் கட்டாயமும் ஏற்படும் அதுக்கு தமிழக அரசும் சிஎம்டி நிர்வாகமும் எம்எம்சி நிர்வாகம் மட்டுமே பொறுப்பு என்பதை இதன் மூலம் தெரிவிக்கும் முட தூக்குறேன் சாரம் முட தூக்குறாள் சில்லறை கடை தான் நான் எனக்கு 10 மூட்டை விடுவாங்க புரியுங்களா ஈனர்ல கூட்டம் இல்லையா ஜிஆர் தகமலை கூட்டம் இல்லையா தேர்தல கூட்டம் இல்லையா ஓட்டுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியதானே ஓட்டுக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன் முன்னாடி சொல்ல வேண்டியதானே நாங்களாம் பழகி வேண்டாமா வீட்டு வாடகை கொடுக்க வேண்டாமா பிள்ளைங்களை பீஸ் கட்ட வேண்டாமா பிள்ளைங்க படிப்பு கெடுக்குறீங்க நாட்டே சுர்காடு பண்ணிடுறீங்க ஏடா புழப்படுறீங்க பணக்காரன் குழப்பம் இல்லாதவன் என்ன மாதிரி கூலிகாரன் என்ன பண்றது என்ன மாதிரி கூலிகாரன் பழகிற குழப்பம் என்ன பண்றது சில்லறை கடை இருந்தால்தான் கூலிகாரன் பழக முடியாது ஒண்ணு கடையை திறந்து வியாபாரம் பண்ண சொல்லணும் இல்லைன்னு சொன்னா இது வந்து அரசாங்கம் நிதி உதவி கொடுக்கணும் ஒரு வியாபாரிக்கு 20,000 ரூபாய் ஒரு தொழிலாளருக்கு மாசம் 5,000 ரூபாய் ஒவ்வொரு கடை தொழிலாளிக்கு கொடுத்தாகணும் ஐடென்டி கார்டு தர சொல்லி 8,500 அந்த சிஎம்டி வந்து மோசடி பண்ணியிருக்கிறது நாளைக்கு ரோட்ல போனா அடிபட்டு கீழே வந்தா செத்தாலும் அவனுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது எந்த உதவியும் கிடையாது தொழிலாளருக்கு 10,000 தொழிலாளி அப்புறாடியா பாதிக்கப்படுகிறாங்க உடனடியா இந்த சிஎம்டி நிர்வாகமும் தமிழக அரசும் இந்த தொழிலாளர்கள் கோயம்பேடு தொழிலாளர்கள் அடையாளப்படுத்துவதற்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்க வேண்டும் கடையை அடைக்க கூட உடனே தொடர்ந்து வியாபாரம் பண்ணுவோம் देश में 10 राज्यों महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली छत्तीसगढ़ कर्नाटक केरल तमिलनाडु मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और कुल दैनिक मामलों में 83.02% मामले इन्हीं राज्यों में ही सामने आए हैं भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के फिर से रिकॉर्ड 168,912 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 904 मरीजों की मौत हुई है हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 75,086 मरीजों को ठीक किया गया है
लेकिन एक्टिव मामलों में आज फिर से 92,922 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है, जिनमें से 1,70,179 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट घटकर 89.86% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से 1,21,56,529 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 8.87% यानी 12,01,009 हो गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।